सऊदी अरेबिया दुनिया का एक ऐसा देश जिसके पास एनर्जी का असीमित भंडार था, लेकिन 1938 से पहले शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि एक ऐसा देश जहां पर एक नदी तक नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, वो देश कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हो जाएगा। आज सऊदी अरब मिडिल ईस्ट का एक सुपर पावर है। पूरी दुनिया की एनर्जी की जरूरतों को सऊदी काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है, लेकिन सऊदी आने वाले समय में इसी कारण से खुद भी प्रभावित होने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। US dollars is a key part of the kingdom's Vision 2030 plan. For Saudi Arabia, the biggest oil exporter in the world, the drop in oil revenues has left a big hole in its budget. It's a fact that Saudi Arabia is gradually running out of money. तो दोस्तों, आज की बात होने वाली है सऊदी के बारे में। सऊदी मिडिल ईस्ट में एक ऐसा सुपर पावर वाला देश है जिसकी पूरी दुनिया में किसी न किसी प्रकार से चलती है, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वह दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी वाले देशों को, किसी भी देश को इफेक्ट करता है या फिर उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। मतलब यहाँ पर अगर आप चीन की बात करें, इंडिया की बात करें, जापान की बात करें, यूरोपियन कंट्री की बात करें, तो हर तरीके से सऊदी अरेबिया या फिर उसका ऑयल एक्सपोर्ट हर देशों तक पहुँचता है और उसका इम्पैक्ट हर देशों तक पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से समय बदल रहा है, लोगों का विचार बदल रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इस तरीके से सबका मानना है कि हमें किसी न किसी तरीके से ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए और यहाँ पर सऊदी अरेबिया का रोल किसी न किसी तरीके से कम हो जाएगा। मतलब दुनिया पर जो उसका प्रभाव है वो कम होगा और उसकी इकोनॉमी पर भी जितना उसका प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। जैसे कि सऊदी अरेबिया अपने टोटल एक्सपोर्ट का 90% ऑयल ही एक्सपोर्ट करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑयल उसके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी पूरी इकोनॉमी उसी पर चलती है, उसका पूरा देश, उसका पूरा स्ट्रक्चर ऑयल पर ही डिपेंड है। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं अब बदलने वाली है। अगर हम सऊदी की बात करें तो सऊदी हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब सऊदी में काफ़ी संघर्ष और युद्ध चल रहा था। वहाँ पर ऑयल नहीं, सिर्फ हथियार काम करता था। लेकिन 3 दशक की लड़ाई के बाद 1932 में सऊदी अरेबिया की एक नई शुरुआत हुई। लेकिन अभी भी वहाँ पे कुछ भी नया नहीं था, क्योंकि युद्ध खत्म हुआ था, हालात वैसे के वैसे ही थे, किसी के पास करने के कुछ नहीं था। सऊदी गवर्नमेंट जो थी वो 20 लाख लोगों से टैक्स वसूल कर चलती थी। इसके अलावा मक्का मदीना पर आने वाले टूरिस्ट से भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाई हो जाती थी, जिससे काम चल जाता था। वहीं इजिप्ट और इराक में नदियाँ थी, तो उस समय पर उनका जियोपॉलिटिक्स में बॉलबाला था। लेकिन उसी समय पर ईरान, इराक और बहरान में ऑयल की खोज हुई और ये खोज ब्रिटेन गवर्नमेंट ने की थी और ये सब कुछ सऊदी के पास में हो रहा था, तो उसे भी लगा कि उसके वहाँ पर भी ऑयल हो सकता है और इसके लिए वो अमेरिका की मदद लेने अमेरिका पहुँच गया, जहाँ पर उसे अमेरिका की मदद मिली और 1933 में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया, जिसे सोकॉल या सेवरॉन भी कहा करते थे, वो सऊदी आई, जिसके 5 साल बाद वहाँ पर पहला ऑयल रिजर्व मिला, जिसे धमम नंबर 7 कहते थे। तो एक तरीके से अब सऊदी में ऑयल के एरा की शुरुआत हो चुकी थी और जो सेवरॉन कंपनी अमेरिका से आई थी उसने अपना नाम बदलकर अब अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी रख लिया, जिसके बाद उसने अपना नाम अरामको रख लिया और कुछ समय बाद सऊदी अरामको हो गया और आज की डेट में सऊदी सरकार इसे ओन करती है या फिर इसे चलाने का काम करती है। खैर, इसके बाद वहाँ पर नए नए ऑयल रिजर्व मिले और वहाँ पर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ऑयल का, लेकिन वहाँ पर अभी पैसा तो आने लगा था, लेकिन पैसा उस मात्रा में नहीं आ रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा हो सके। तो ये सब तब हुआ जब पूरी दुनिया ने 1973 में ऑयल क्राइसिस देखा, जब ओपेक के संगठन वाले देशों ने इसराइल के साथ वाले देशों पर एम्बार्गो लगा दिया, तब ऑयल के प्राइस आसमान छूने लगे थे और ये ओपेक के संगठन के जो देश थे ये तय करते थे कि ऑयल किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा, जिसके बाद ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ और 1985-86 में जब सोवियत संगठन विघटित हुआ तब वहाँ पर भी ऑयल की काफ़ी ज़्यादा सप्लाई खंडित हो गई या फिर ख़राब हो गई, जिसके बाद फिर से ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे आने लगे। इन सब मामलों में सऊदी ने काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाया और सऊदी एक ऐसा देश बना जो देखते देखते अमीर देशों की लिस्ट में आ गया। मतलब कि सऊदी अरेबिया की GDP 10 साल में 3 गुना बढ़ चुकी थी।
सरकार के पास इतना पैसा आ चुका था कि सरकार हर क्षेत्र में वहाँ के लोगों को सब्सिडी दे रही थी। दोस्तों, अगर हम देखें कि सऊदी अरेबिया ने कितना ज़्यादा पैसा बनाया, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला पूरी दुनिया पर और एनर्जी की ज़रूरतों को कितना ज़्यादा पूरा किया, तो ये सब कुछ तो ठीक लगता है। लेकिन जब हम सोचते हैं आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो आगे क्या होगा, तब कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया की इकॉनमी जो है वो कलैप्स होती हुई नज़र आती है, वो गायब होती हुई नज़र आती है। क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है अपने टोटल एक्सपोर्ट का 90% जब ऑयल एक्सपोर्ट करता है, तो जब ऑयल ही एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पूरे तरीके से ऑयल पर निर्भर है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया की जो GDP है वो 42% ऑयल से आती है, और सऊदी अरेबिया का जो बजट है उसका 87% हिस्सा ऑयल से ही जनरेट होता है। और ये आंकड़े बताते हैं कि सऊदी अरेबिया ऑयल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुका है।